डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय नागौर के विद्यार्थियों का परिचयात्मक भ्रमण करवाया गया। हाल ही में पीएम श्री योजना के अंतर्गत चुने गए सभी केंद्रीय विद्यालयों का शहर के विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्रों पर ज्ञानार्जन के लिए भ्रमण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में 2 दिन तक करीब 300 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर निकले। मीडिया प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान के योग एवं नेचुरोपैथी के प्रभारी डॉक्टर चंद्रपान शर्मा ने छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने, एकाग्रत व समृद्धि बनाने के लिए किए जाने वाले आसन जैसे त्रिकोणासन, शलभासन, वृक्षासन, सर्वांगासन तथा प्राणायाम जैसे भ्रामरी के बारे में जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर स्थित ग्राउंड में सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। इन 2 दिनों में कक्षा 6 से 11 तक के 300 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी महाविद्यालय एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के बारे में डॉक्टर सौरभ अग्रवाल एवं डॉक्टर अवधेश ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग में संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। भ्रमण में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक महेश कुमार यादव, ब्रजराज सिंह, दीपिका तिवारी, सुमेर जगदीश एवं नितिका सिहाग आदि शामिल रहे। हाथों को ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा पीछे और वापस भगवान सूर्य को प्रणाम करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भारत माता की सूर्याय नमः। दो हाथों को ऊपर लेके जाए और जो तारा चाहिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर पंच कर्म, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पंच कर्म। तो पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है, आयुर्वेद में एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें 5 डिफरेंट थेरेपीज होती है, 5 अलग अलग डिफरेंट थेरेपीज होती है। डिपेंडिंग कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो थेरेपी आपको दी जाती है।